देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 648 लोगों की मौत, देश में कोरोना से अब तक जा चुकी है 28,000 से ज्यादा जान। देश में अब तक कुल कोरोना केस 11,92,000 के पार पहुंचे। 28,472 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक 7,53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ, 4,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गाजियाबाद में गोली मारे जाने के बाद अस्पताल में भर्ती पत्रकार विक्रम जोशी की मौत, छेड़खानी के आरोपियों ने मारी थी गोली। गाजियाबाद में अस्पताल के बाहर पत्रकारों का प्रदर्शन, हत्या का विरोध, भांजे का लाश लेने से इनकार। गाजियाबाद में हत्या पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, वादा था रामराज का, दिया गुंडा राज। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, इस जंगल राज में आम जन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा, गाजियाबाद एनसीआर में कानून व्यवस्था का ये आलम है तो पूरे यूपी में क्या होगा अंदाजा लगा लीजिए। मायावती का ट्वीट, यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा क्राइम वायरस हावी। गाजियाबाद में एक और हत्या, बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 16 जुलाई की घटना, हमले में जख्मी दुकानदार की मौत, आरोपी और उसके 3 साथी गिरफ्तार। लखनऊ में लोकभवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत, सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटी का चल रहा इलाज, इंसाफ नहीं मिलने पर दोनों ने की खुदकुशी की कोशिश। भोपाल में हत्या के फरार आरोपी पुलिस के बीच मुठभेड़, कुख्यात बदमाश शेखर लोधी गिरफ्तार। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर, सहरसा में कोसी नदी उफान पर, तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी। सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर, भारत नेपाल बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर भी भरा पानी। किशनगंज में कनकई नदी में भारी कटाव, दर्जनों घर टूटे, प्रशासन ने कई घरों को खाली कराया। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश में बह गया सुशासन का दावा, जिला मुख्यालय से टूट गया सैकड़ों गांव का संपर्क। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी ने धारण किया विकराल रूप, बगहा में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की बड़ी मुसीबत, हाईवे पर लिया आसरा। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 113 जानवरों की मौत, दुर्लभ प्रजाति के 11 गैंडों की भी गई जान। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान, 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चमोली में बारिश से हाल बेहाल, 3 जगहों पर ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों लोग, गाड़ियों का लंबा जाम।